बार में अब बात सत्य और तथ्य की, और सत्य और तथ्य में आज बात होगी औकात की। औकात उस कॉमन मैन की, आम आदमी की, जो समाज के आखिरी पायदान पे खड़ा है और जिसका वोट सभी को चाहिए, लेकिन मतलब निकलते ही उसे बड़ी ही बेशर्मी से औकात याद दिला दी जाती है। लेकिन मध्य प्रदेश के शाजापुर में इसी आम आदमी ने बता दिया कि अगर वो बिना डरे सिस्टम के सामने अड़ जाए तो उसे हिलाने वाला कोई नहीं होगा। सबसे पहले ये 20 सेकंड का वीडियो देखिए। अच्छे से बोलो, समझ के क्या बोल रहे हो, समझ रखो क्या करोगे तुम, क्या औकात है तुम्हारी। यही तो चीजें है सर, हमें यही लड़ाई हमारी, कोई नहीं, ये कोई लड़ाई ऐसी होती है। कुर्सी पर सूट बूट पर बैठे जो सज्जन दिख रहे हैं वो मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के कलेक्टर किशोर कान्याल थे, और 24 घंटे के अंदर किशोर कान्याल करंट डीएम से शाजापुर के फॉर्मर डीएम हो गए। अब पूरी खबर भी जान लीजिए। ये वीडियो 2 जनवरी का है। कलेक्टर साहब हड़ताल पर गए, ट्रक ड्राइवर्स के साथ एक बैठक कर रहे थे, और ड्राइवर्स के साथ बातचीत के दौरान किशोर कान्याल जो कि फॉर्मर डीएम है, उन्होंने तैश भरे गुस्से भरे अंदाज में कहा, मैं साफ कह रहा हूं कि कानून को अपने हाथ में मत लीजिएगा। लेकिन एक ड्राइवर ने कहा, साहब बड़ी प्यार से अच्छे से बात तो कीजिए। बस फिर क्या था, कलेक्टर साहब गुस्से में आ गए, तिलमिला गए और कहने लगे, क्या करोगे तुम, तुम्हारी औकात क्या है। इसके बाद ड्राइवर ने जो जवाब दिया उसे सभी को बेहद ध्यान से समझना चाहिए। ड्राइवर ने कहा, साहब यही तो लड़ाई है कि हमारी कोई औकात ही नहीं है। वीडियो आग की तरह वायरल हो गया। खबर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर सीएम मोहन यादव तक पहुंच गई। मुख्यमंत्री ने बिना वक्त गवाए डीएम साहब को कुर्सी से गायब कर दिया। यानी बीजेपी जो दावा करती है कि उनकी सरकार गरीबों के लिए है, प्रधानमंत्री मोदी जो कहते हैं उनके लिए गरीबी एक बड़ी जाति है, वो मध्य प्रदेश की सरकार ने साबित कर दिखाया। यानी जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, चुनाव के वक्त गरीबों से वोट हड़पने के लिए उनके साथ सम्मान भरी बातें होती हैं, और नतीजों के बाद उन्हें चाय में पड़ी मक्खी की तरह निकाल देने का जो पुराना एक एंगल था, अब उस ट्रेंड में बदलाव आता दिख रहा है। ये खबर सीख देती है कि आम आदमी को कभी भी कम करके नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अगर यही आम आदमी ठान ले तो उसकी शक्तियां अनंत हो जाती हैं। जरा सोचिए, जो आम आदमी सरकारें बना और गिरा सकता है वो अगर अपने लिए खड़ा हो जाए तो क्या नहीं कर सकता है। ये एक बड़ी सीख है उन सबके लिए जो तुनक मिजाजी रखते हैं। फिलहाल आर पार में इतना ही, आज के कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार, अगला शो देश देखिए।